चौटाला जी, जैसे आदमपुर का जो गढ़ है, भजनलाल जी तब देवीलाल जी के तीन लालों में से प्रतिद्वंद्वी के तौर पर जाने जाते थे और काफ़ी उनकी आपस में खटास भी रही। तो अभी आदमपुर का जो चुनाव होगा, भाजपा में चले गए हैं कुलदीप बिश्नोई, तो वहाँ इन्हें लोग क्या इसी स्ट्रॉन्ग तरीके से जाएगी, थर्ड फ्रंट के साथ जाएगी, या किसी दबाव में भाजपा के साथ फ्रेंडली मैच करेगी, क्या होगा? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अपना वजूद है, जी पिछले साल चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हमने सम्मान दिवस के रूप में जींद में मनाया था, और जींद की कामयाब रैली का असर आपको इलाहाबाद के चुनाव में देखने को मिला कि नहीं? जी फतेहाबाद की रैली का असर, क्योंकि इसके फौरन बाद आदमपुर के चुनाव तो होंगे, उस चुनाव परिणाम से आप देख लेना, हमारी पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से विजयी है। कैंडिडेट कैसा होगा? क्या चौटाला परिवार से ही कैंडिडेट होगा अगर भजनलाल परिवार से आता है, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई कैंडिडेट लोकल होगा? पार्टियां परिवार की नहीं हुआ करती, जी जनता के सहयोग और समर्थन से पार्टियां चलती, हमारी पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, ये बात अलग है कि संघर्ष में सिवाय हमारे कोई जूझ ही नहीं रहा। गार्ड की बात है कि मेरे पिताजी ने सारी उम्र संघर्ष किया, उसके बाद हम भी संघर्ष कर रहे हैं, हमारे बेटे पोते भी संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष तो हमारे खून में है, कुलदीप बिश्नोई जो है उनका भाजपा में जाना, वो कैसा देखते हैं आप छोटा लसा? किसी स्वार्थी आदमी का क्या जिक्र करेंगे, लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये कोई सिर्फ जनता या बीजेपी में नहीं जा रहा, इससे पहले भी इसने कई पार्टियां बदली हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र हुड्डा, वो कहीं ना कहीं बड़े गंभीर नजर आते हैं आदमपुर में, बाप बेटे ने बड़ी तैयारियां भी शुरू कर दी है, तो उनकी क्या आदमपुर में आपको क्या लगता है? भूपेंद्र हुड्डा तो सरकार से मिला हुआ है इसमें, कैसे सर? क्योंकि मुकदमों से डरता है,